मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हैं हम स्टील फाटा महापे रोड पर। आप यहां देख सकते हैं कि एक केमिकल की जो टैंकर था उसमें भयानक आग लग गया है और इस आग को जो है यहां पर बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहां पर जो दमकल विभाग की 3 से 4 गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि ये जो टैंकर था ये केमिकल का टैंकर था। आपको बता दें मापे रोड पर जो यहाँ दुकान आप देख सकते हैं ये झुग्गी बनाकर इसमें दुकान जो टॉयज बच्चों के खिलौने वो बेचा जाता था। और इस केमिकल में केमिकल वाले टैंकर में जब आग लगी उसके बाद वो केमिकल जब निकल के रोड से बहते हुए उस झोपड़े तक पहुँचा तो उसके बाद वो आग जो है उस झोपड़े में भी पकड़ ली और वो झोपड़ा भी जल गया। बहरहाल बताया जा रहा है कि जो टैंकर चालक था उसे निकाला गया है लेकिन वो घायल अवस्था में है। उसे जो है यहाँ के नज़दीकी अस्पताल में फिलहाल भेजा गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ अभी टैंकर से सिर्फ जो चालक ही मिला है उसके सहयोगी उसके साथ में था या नहीं था ये अभी भी कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि आग बुझने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उसके साथ में कोई चालक के साथ में उसका सहयोगी चालक था या नहीं था। बहरहाल ये वाशी की तरफ जो है टैंकर जा रहा था इसमें केमिकल था और बताया जा रहा है कि जो है ये डिवाइडर में जो है इसकी टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद जो है ये 2 बार पलटी हुआ उसके बाद इसमें जो है केमिकल था इस टैंकर में उसके बाद इसमें आग लग गई। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल टैंकर की आग जो है अब बुझ चुकी है क्योंकि जो दमकल के कर्मचारी हैं वो लगातार करीब एक घंटे से 1.25 घंटे हो गए हैं इस आग को बुझाया जा रहा है। और दोनों तरफ की आप देख पाएंगे कि दोनों तरफ का जो यहाँ पर आवाजाही है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। चाहे वो सीट फाटा से वाशी की तरफ जाने वाला रास्ता हो चाहे वो इस साइड से जाने का रास्ता दोनों तरफ से जो है ट्रैफिक जो है रोक दिया गया है बंद कर दिया गया है। हालांकि लोगों की यहां पर काफ़ी भीड़ है और पुलिस भीड़ हटा रही है यहां से क्योंकि जो आवाजाही है वो पूरी तरह से यहां पर स्थगित कर दिया गया है रोक दिया गया है। हालांकि आपको बता दें जो केमिकल वाला टैंकर था जिसमें आग लगी है वो शिलफाटा से जो है मापे रोड होकर वाशी की तरफ जा रहा था और उसमें अचानक आज दोपहर में आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और जो चालक था उसे नज़दीकी अस्पताल भेजा गया है लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से रोकी गई है। आग पर नियंत्रण ले लिया गया पा लिया गया है और जो एक झुग्गी झोपड़ी जो खिलौने बेचने वाली झोपड़ी थी यहाँ पर वो भी जल गई है। इसके अलावा किसी के भी और हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। सिर्फ चालक जो है वो बताया जा रहा है कि चालक को जो है चोटें लगी हैं मामूली रूप से कुछ चोटें लगी हैं उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है लेकिन जो उसका सहयोगी चालक था उस पर असमंजस बनी हुई है कि क्या उस टैंकर चालक के साथ में उसका सहयोगी चालक था या नहीं था इस पर जो है असमंजस बनी हुई है। बहरहाल आग जो है वो पूरी तरह से बुझ रही है जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आग बुझाई जा रही है और आग बुझने के बाद ही गाड़ी में देखा जाएगा कि कोई उसमें था मौजूद था या नहीं था। बहरहाल जिस तरह से अब देखेंगे कि एक तरफ का जो है रोड खोल दिया गया है और यहां से दोनों साइड के जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो दोनों तरफ से जो है बाइक ऑटो रिक्शा वालों को जाने की अनुमति दी गई है। अब दोनों तरफ से जो है लोग जा रहे हैं लेकिन जिस तरह से बाजू में उसके एक खिलौने की दुकान थी जो झोपड़ी बनाकर उसमें खिलौने बेचा करते थे आपको दिखा सकते हैं कि ये वो झोपड़ी थी जिसमें आग लगी। यहाँ से जब टैंकर में आग लगी उसके बाद टैंकर पलटी हो गया। पलटी होने के बाद उसमें से जो केमिकल निकला वो केमिकल वहाँ झुग्गी झोपड़ी में पहुँचा और वहाँ भी आग लगी और किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। बहरहाल आग बुझी है। इस पर और भी आगे क्या अपडेट रहेगा हम आपको देते रहेंगे। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान प्रहार टाइम्स मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।